अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी व्हाट इज़ मेमोरी व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी क्या है कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस और प्लेस दैट यूज़ टू स्टोर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी डिवाइस या ऐसी जगह है जो इंफॉमेशन uh, को स्टोर करती है uh, इसकी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं चलिए इसकी टाइप्स डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं नंबर एक प्राइमरी मेमोरी आ जाती है और नंबर दो सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है तो फ्रेंड्स ये है प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी ये मेन uh, मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है द मेमोरी यूनिट डेट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सी पी यू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ये मेमोरी ये मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है इसीलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं मतलब ये मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जो हम कंप्यूटर में जब विंडो करते हैं या इसके बाद हम कंप्यूटर में जब हम एक कंप्यूटर की फाइल को ओपन करते हैं इसके अंदर एक सी होते हो पार्टीशन और एक डी और ई e होती है जो सी पार्टीशन होती है मतलब कि वो विंडो के लिए होती है ये प्राइमरी मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जो कि हम न्यू विंडो करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है इसके बाद ये जो सेकेंडरी मेमोरी आती है ना सेकेंडरी मेमोरी में जो कुछ होता है वो स्टोर रहता है वो हमारे पास पार्टीशन डी और ई में आता है तो जब पार्टीशन सी में हम कुछ सेव करते हैं तो वो वो, वो विंडो क्रैश होने के साथ साथ चला जाता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी uh, के साथ चला जाता है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो कुछ स्टोर होता है वो नहीं जाता तो प्राइमरी uh, मेमोरी uh, की दो तीन uh, दो टाइप्स हैं उनकी आगे टाइप्स हैं चले प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स देखते हैं प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स हैं रैम एंड रोम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी रैम के आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं डी रैम एंड एस रैम डी रैम मींस डायनेमिक रैम एंड एस रैम मीन स्टेटिक रैम ये रोम आ जाता है और रोम के आगे से तीन टाइप्स आ जाती हैं एक है पी रोम एक है इर पी रोम और एक है ई ई पी रोम पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम ईर पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रॉनिकबल प्रोग्रामेबल रोम ये आ जाती हैं जी प्राइमरी मेमोरी और अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी तो फ्रेंड्स ये आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी द मेमोरी यूनिट विच इज़ प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी ये मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारी आ, हमारे हमारे बैकअप के काम आती है हमारा डेटा महफूज रखती है स्टोर स्टोरेज डिवाइस है ये भी ए, मतलब ये हमारी डेटे को स्टोरेज डिवाइस में महफूज रखती है अगर हमारी विंडो क्रैश भी हो जाए विंडो ख़त्म भी हो जाए तो हम न्यू विंडो भी करें तो फिर भी हमारा डेटा इसके अंदर महफूज़ रहता है इसकी आगे से दो टाइप्स आ जाती इसके आगे से दो नहीं बहुत सारी टाइप्स सा आ जाती हैं जैसे कि पेन ड्राइव मतलब कि जो हम पेन ड्राइव वो वाली ड्राइव्स जो हमें हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं फॉर एग्जांपल हम एच यू लगाते हैं इसके अलावा कार्ड लीडर लगाते हैं वगैरह वगैरह बहुत सी इस तरह की इसके बाद आता आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क ड्राइव उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आ जाती है और इसके बाद ऐसी मतलब बहुत सी आ, ऐसी हैं ऐसी आ, डिस्क हैं जो हम कंप्यूटर के हिसाब लगाते हैं आ, मसलन हम अपना मोबाइल कनेक्ट करके मोबाइल में भी स्टोर कर लेते हैं ब, बाकी सब चीज़ तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मतलब ये हमारी चीज़ें महफूज रखती है हम मैंने आगे एक आ, इसके लिए मैप भी बनाए हुए है आइए मैप को देख लेते हैं मेमरी मेमरी इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं एक आ जाती है प्राइमरी और एक आ जाती है सेकेंडरी प्राइमरी की भी आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं एक है रैम दूसरी है रोम रेंडम एक्सेस मेमरी रीड ओनली मेमरी रैंडम एक्सेस मेमरी की फिर दो आ जाती हैं एस पी रोम रैम एंड डी रैम एस रोम एस रैम एंड डी रैम एस रैम मतलब स्टैटिक रैम एंड डी रैम मतलब डायनेमिक रैम रोम की आज से तीन टाइप्स आ जाती हैं पी रोम ई पी रोम एंड ई ई पी रोम मतलब प्रोग्रामबल रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम आइए सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी की भी आगे से टाइप्स आ जाती हैं uh, बहुत सारी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड इट मतलब यू एस बी कुछ भी हम जो कंप्यूटर के साथ सीडी लगाते हैं या पुरानी पुरानी जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती थी वो वगैरह 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 तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें लाइक भी करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटवीडियोज़ आप तक पहुँच पहुँचती रहें थैंक यू अल्लाह हाफ़िज